इसलिए इस पुरानेपन को मिथक को बरकरार रखते हुए, मिथक को तोड़े बिना राम उसमें नई बात कहते हैं और यही राम के मिथक की राम के मिथक सार्थकता है और राम के मिथक की यही प्रासंगिकता है। एक यह भी इसके संदर्भ में सवाल उठ सकता है कि नरेश मेहता अतीत के माध्यम से वर्तमान की बात क्यों करते हैं, तो इसका कारण यह है कि जब वर्तमान जब बहुत भयावह होता है, भयानक होता है, हम तानाशाही शक्तियों का विरोध डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम अतीत के किसी इतिहास पुरुष का या पुराण पुरुष का संदर्भ लेकर उसके माध्यम से हम महत्वपूर्ण बात करते हैं और तब वह चीज़ हमारे लिए प्रासंगिक बनती है, क्योंकि राम जब किसी बात को कहते हैं तो हमें उस पर विश्वास होता है कि वह बात हमारे लिए सार्थक है, महत्वपूर्ण है और हमें उसे फॉलो करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि गुजराती में भी जो सोक्रेटिस रचना है दर्शक की, उसमें भी इमरजेंसी का विरोध है, लेकिन वो सीधा विरोध न करके वो सोक्रेटिस के समय में जो आतंक था, उस आतंक के विरोध के द्वारा एक जनतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं दर्शक। और नरेश मेहता भी इसमें राम के माध्यम से जो बातें कहते हैं वो आज के संदर्भ में बिल्कुल प्रासंगिक है। मिथक का आधुनिकीकरण हुआ है, मिथक का आधुनिक इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर राम एक आदर्श राजा के रूप में प्रकट हुए हैं और इसमें नरेश मेहता ने एक जनतांत्रिक माहौल रचा है, एक प्रजातांत्रिक माहौल रचा है। यह प्रभात पर्व की समीक्षा मैंने प्रस्तुत की। धन्यवाद। संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम सैटेलाइट ना माध्यम थी जोड़ती कड़ी एटले संधान।